हर व्यक्ति कर सकता है, जो जो कर सकते हैं हाथ उठाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सिर्फ मुझे सुनते जाइए, 100 करोड़ 100 अरब ये विराट अस्तित्व के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। इसके लिए $100 देना भी उतना ही आसान है जितना 100 करोड़ 100 अरब डॉलर देना आसान है। सिर्फ आपको मांगने का विज्ञान आना चाहिए, विचार शक्ति का सही प्रयोग करने का ढंग आपको आना चाहिए, और विचार शक्ति का सही प्रयोग करने का तरीका क्या है। विचार शक्ति के विज्ञान का स्वतः सिद्ध नियम है कि जिस चीज का आप निरंतर विचार करते रहते हैं वो चीज आपके जीवन में प्रकट हुए बिना नहीं रहती है। जिस भी चीज का आप लगातार विचार करते रहते हैं वो चीज आपकी जिंदगी में यथार्थ में प्रकट होकर ही रहती है, अवश्य प्रकट होती है, प्रकट हुए बिना नहीं रहती। जिस चीज का आप निरंतर लगातार विचार करते रहे वो प्रकट हो जाएगा। आप कोई भी चीज विचार करके देख लीजिए, वो प्रकट हुए बिना रहेगी नहीं। जो भी सोचोगे, जो भी विचार करोगे, वट एवर यू थिंक, योर थॉट्स आर बाउंड टू टेक द फॉर्म ऑफ एक्शन, योर थॉट्स आर बाउंड टू मेटेरियलाइज इन रियलिटी। विचार ही परिणाम में रूपांतरित होते हैं। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिस चीज का आप विचार करेंगे वो चीज निश्चित रूप से यथार्थ में प्रकट होगी, चाहे आप उस चीज को चाहते हैं, उसकी इच्छा करते हैं या नहीं करते। आप इच्छा नहीं भी करते हैं उस चीज की, लेकिन बार बार उसकी चिंतना करते रहते हैं, उसकी सोच करते रहते हैं, उसका विचार करते रहते हैं, तो आपकी जिंदगी में घटित हो जाता है। जैसे मैंने देखा है, कई लोग मुझसे मिलते हैं, कहते हैं कि गुरुजी मुझे बार बार इसी चीज की शंका हो रही थी कि कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, और गुरुजी मुझे शंका हो ही रही थी, लगता है कि मुझे परमात्मा ने संदेश दे दिया था, और देखिए आज दुर्घटना हो गई, बस किसी तरह से जिंदगी बच गई, और तो हाथ पैर टूट गए, सारा शरीर टूट गया, किसी तरह जिंदा हो गया गुरुजी। और ये मैं सालों से मुझे ये हो रहा था कि मुझे कि कहीं मेरी दुर्घटना ना हो जाए। दुर्घटना सिर्फ इसलिए हुई कि लगातार वो दुर्घटना का विचार उनके चित्त में आ रहा था। ऐसे आप तमाम चीज़ों की आशंका लिए रहते हैं और वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में घट जाती हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि जो चीज़ आप लगातार विचार करते रहते हैं वो चीज़ निश्चित रूप से परिणत होगी आपके कार्य में। भले ही आप, कोई आदमी नहीं चाहता कि दुर्घटना हो जाए उसकी जिंदगी में, लेकिन दुर्घटना हो जाती, क्यों? कई लोग ऐसे मिले, गुरुजी मुझे कैंसर से बड़ा भय लगा रहता था, और ये तकलीफ हुई वो तकलीफ हुई, हमने चेकअप कराया तो कैंसर डिटेक्ट हो गया। हमें लगता है पहले से ही परमात्मा ने आभास दे दिया था। आभास नहीं दिया था। आप कैंसर के विचार से इतना ग्रस्त हो गए, कैंसर का विचार इतना भर गया आपके प्राणों में कि कैंसर को आना पड़ा इस ब्रह्मांड से आपके पास, मजबूरी हो गई कैंसर की। कैंसर को थॉट्स आर इन्विटेशन टू देयर हैपनिंग। अगर आप किसी चीज का विचार करते हैं, विचार ही उस कृत्य का आमंत्रण होता है, और ये बहुत मजे की बात है। यही इतना सिद्धांत आपकी समझ में आ जाए तो विचार शक्ति का विज्ञान आपके जीवन में चमत्कार पैदा कर सकता है कि जो भी जिस चीज का आप विचार करोगे वो यथार्थ में निश्चित रूप से आपकी जिंदगी में प्रकट होगा। यू गेट वट एवर यू थिंक, वेदर यू वॉन्ट इट आर यू डोंट वॉन्ट इट। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो चीज हम नहीं चाहते हैं उस चीज का विचार ही ना करें। लेकिन आपके साथ उल्टा होता है, जैसे आप कहते हैं कि अब मैं स्वस्थ होना चाहता हूं, अब मैं बीमार नहीं रहना चाहता हूं, अब बहुत हो गया,
आपको लगता है कि आप स्वस्थ होने का विचार कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान हमेशा केंद्रित रहता है कि हाय मैं बीमार हूँ, अब ये परेशानी है, अब वो परेशानी है, अब यहाँ दर्द है, अब वहाँ दर्द है। जो आपकी वर्तमान बीमारी की अवस्था है, आपका ध्यान उसी पर केंद्रित रहता है। तो और आप कहते हो कि मैं स्वस्थ होना चाहता हूँ, अब मैं बीमार नहीं रहना चाहता हूँ, लेकिन आपका ध्यान बीमारी पर ही केंद्रित रहता है। आप बहुत कहते हो कि मैं स्वस्थ होना चाहता हूँ, ध्यान आपका बीमारी पर केंद्रित रहता है, तो बीमारी बढ़ती चली जाती है। आपका ध्यान स्वास्थ्य पर केंद्रित हो, इसके लिए जरूरी है कि आप आंख बंद करके स्वस्थ होने का अनुभव करें, बीमारी की अवस्था को भूलने की चेष्टा करें। भूलने के लिए अपने को स्वस्थ अनुभव करें, अपने मन को स्वस्थ होने का संदेश दें। यही याद करें कि गुरुदेव ने कहा था कि स्वस्थ स्वस्थ सोचूंगा तो स्वस्थ हो जाऊंगा। इसी आधार पर आप स्वस्थ चिंतन शुरू कर दें। एक व्यक्ति कहता है कि मैं आर्थिक रूप से धनी होना चाहता हूं, अब मैं गरीबी में नहीं रहना चाहता हूं, अब आर्थिक तंगी में नहीं रहना चाहता हूं। वो सोचता है कि मैं धन की सोच रहा हूं, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक तंगी है उसी पर उसका ध्यान केंद्रित रहता है, धन पर उसका ध्यान जाता ही नहीं। धन की सोचो, धन का विचार करो, धनी होने का विचार करो, धनवान होने का विचार करो, धनवान होने का खेल खेलो, तो धन आकर्षित होगा इस विराट अस्तित्व से, विराट ब्रह्मांड से। इसीलिए आप मुझसे मिलते हैं, मैं कहता हूं बिल्कुल बेफिक्र होके जाओ, मैं बैठा हूं, और इतने में आप बेफिक्र हो जाते हैं। और जो बेफिक्र हो जाता है उसकी समस्या रहती नहीं है, क्योंकि उसने विचार में अपने भीतर ये विचार डाल ही दिया कि गुरु महाराज ने कह दिया है, अब अदरवाइज हो ही नहीं सकता, अन्यथा हो ही नहीं सकता। वो विचार, वही विचार भर जाएगा, वो यथार्थ में परिणत होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस चीज का आप विचार कर रहे हैं, मेरे पास लोग आते हैं कि गुरुजी हम ये बनना चाहते हैं, ये पाना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। क्योंकि इस बात को समझ लेना बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, यही सार है, केंद्र बिंदु है मनचाही चीजों को पाने का विज्ञान, उसका केंद्र बिंदु है। किसी भी चीज को पाने के दो आयाम होते हैं, जो भी आपकी इच्छा होती है उसके दो आयाम होते हैं। एक वो चीज जो आप पाना चाहते हैं, दूसरा आयाम होता है वो चीज जो उसका अभाव है, उसका विपरीत। जैसे आप स्वस्थ होना चाहते हैं लेकिन आप बीमार हैं, आप धनी होना चाहते हैं लेकिन आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। यानी जो चीज आप पाना चाहते हैं, एक आयाम वो है, दूसरा आयाम वो है जो जिस अवस्था में आप वर्तमान में हैं, यानी उसका अभाव। अगर उसके अभाव पर आपका ध्यान केंद्रित होगा तो अभाव और बढ़ता चला जाएगा। अगर उस चीज पर आपका ध्यान केंद्रित होगा जो आप पाना चाहते हैं, तो वो चीज शत प्रतिशत इस ब्रह्मांड से आकर्षित होकर आपके पास आएगी। तो जो मैंने तीन कदम बताए, थ्री स्टेप्स विचार शक्ति का प्रयोग करने के लिए, पहला स्टेप मांगो, दूसरा स्टेप यकीन करो, और तीसरा स्टेप अनुभव करो कि मिली गया है। जो भी चीज आपकी कामना हो उसको अनुभव करो कि मिली गया है, तो उसका विचार आपके प्राणों में पूरी तरह फैलने लगेगा। और इस अस्तित्व का नियम है कि उस फ्रीक्वेंसी की सारी चीजें आकर्षित होकर आपके ऊपर बरस पड़ेंगी। कुछ लोगों ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया कि कैसे ये तय करें कि हमारा ध्यान जो हमारी इच्छा है उस चीज पर है, या हमारा ध्यान उसके अभाव पर जा रहा है, उसके विपरीत जा रहा है, ये कैसे हम तय करें। ये तय करने का नियम है, अगर आपका ध्यान उस चीज पर केंद्रित है जिसको आप पाना चाहते हैं, जिसकी आपको इच्छा है, तो आप आनंदित अनुभव करेंगे। 100 करोड़,
अगर 100 करोड़ पर ध्यान है तो आप आनंदित अनुभव करेंगे। ये कसौटी है, पहचान है कि 100 करोड़ मुझे मिलेगा और मुझे मिल ही गया है। जब ये थाट आपके दिमाग में रहेगा तो आप आनंदित होंगे कि नहीं, यू विल एंजॉय। जो भी इच्छा की व्यक्ति, इच्छा की वस्तु है, जो भी आपका लक्ष्य है, अगर उस पर आपका ध्यान केंद्रित होगा तो उसका स्वाभाविक परिणाम होगा कि आप आनंदित होंगे, आह्लादित होंगे, प्रसन्न होंगे, मुदित होंगे। और अगर आपका ध्यान उसके अभाव की ओर होगा तो उसका परिणाम क्या होगा? आप तनाव में होंगे, आप बेचैन होंगे, आप दुखी होंगे, आप निराश होंगे। तो अगर आप उदास, निराश, बेचैन, तनाव में जी रहे हैं तो समझ लेना कि आप अपनी इच्छा का विचार नहीं कर रहे हैं। जो पाना चाहते हैं उसका थाट आपके दिमाग में नहीं है। उसका थाट अगर आपके दिमाग में है तो निश्चित रूप से आप आनंदित होंगे, प्रीतिकर अनुभव करेंगे, सुखद, आह्लादित, तरंगित होंगे।